जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा कोरोना योद्धाओं को नमन करते हुए प्राइवेट विद्यालयों की फीस एवं बिजली के बिलों को फरवरी माह से आगामी लॉकडाउन तक माफ करने एवं ऑनलाइन स्विगी द्वारा किराना होम डिलीवरी को बंद कर स्थानीय छोटे दुकानदारों को दुकान सामग्री बिक्री करने की मांग करते हुए कहा कि अगर छोटे व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। प्रस्तुत है वार्ता के अनुसार। दुकान बंद है, मध्यम वर्ग की फीस कैसे जमा कर पाएगा और इतना सारा बोझ होते हुए आप सरअध्यक्ष के नाते मंगू भैया आपको क्या कहना है इसके बारे में? पहले तो मैं इस प्रदेश के पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों, डॉक्टर, पंचायत के सेक्रेटरी, नगर निगम के सभी वो प्रशासनिक अधिकारी किसी भी समय अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराते हैं। इस विषम परिस्थिति में मैं उनको, उनके जज्बे को, उनको सलाम करता हूं कि प्रदेश के नौजवानों के, किसानों के, व्यापारियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। हम सबको, मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और सामाजिक व्यापारी बंधु जो इस कोरोना की वायरस से लड़ाई के लिए कंधे से कंधे मिलाकर रीवा शहर और प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अपील करता हूं कि इस संकट की घड़ी पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्राइवेट स्कूल की फीसें माफ होनी चाहिए, बिजली का जो बिल ऑनलाइन भी दे दिया जा रहा है वह फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीन महीनों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए। अभी लगातार व्यापारी परेशान है ऑनलाइन को लेके। ऑनलाइन जब बिक्री शुरू हो जाएगी तो उस छोटे व्यापारी का क्या होगा जिसने एक वार्ड के अंदर अपनी दुकान खोल रखी है, जिसने एक बीच चौराहे में एक बड़ी दुकान खोल रखी है, वो तो बेचारा व्यापारी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसे ना चालू किया जाए, इससे कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत ज़्यादा तंगी की स्थिति पे आ जाएगा। मेरा विनम्र अनुरोध है कि बिजली का बिल, साथ ही फीस और व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को देखते हुए जनहित में बड़े कदम उठाने की जरूरत है।